हेलो गाइस, दिस इज एनके राव फ्रॉम ORS स्टडी चैनल। तो ORS का घोल पीजिए और आप अपने एनर्जी बूस्टअप कीजिए। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिलेबस की। इलेक्ट्रॉनिक सिलेबस में बात किया जाए, केवल ORS घोल पीने से नहीं होगा जी, ये आपको सिलेबस जो है एक बेसिक आइडिया देगा जिसको आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बात करें तो पार्ट ए आपको भी पता है कि बहुत ही आसान है। पार्ट बी में ही हमारा क्या है, मेरिट बेस एग्ज़ाम है और इसमें स्कोर करना भी क्या है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सारे टॉपिक में कौन कौन से सिलेबस में है क्या है। तो देख सकते हैं मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग का डिस्कस कर रहा हूँ और मैं अपने चैनल पर इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो लेक्चर भी डाले जाएंगे। तो आप लोग यहाँ से अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं। अभी देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सेकेंड स्टेज होने में बहुत टाइम है, तो कोर्स कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। चलिए जब बात करें जाए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और मटेरियल में क्या क्या है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और मटेरियल में देखिए यहाँ पे क्या क्या है। तो कंडक्टर लिख रहा है, सेमी कंडक्टर लिख रहा है और इंसुलेटर लिख रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर है। इसमें क्या करेंगे, डिफरेंट एनर्जी गैप के बारे में पढ़ेंगे, उनके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इनके बारे में क्या क्या डिफरेंसेज है यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद आपको है मैग्नेटिक मटेरियल, क्या है जी मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल में क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है, फेरी मैग्नेटिक होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक होता है। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, ससेप्टिबिलिटी देखेंगे, उनकी प्रॉपर्टी देखेंगे और ये सब आप आइडिया लेंगे जी। तो यहाँ से हम लोग इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे वाले टॉपिक देखते हैं। तो यहाँ पे आगे वाले टॉपिक में देखिए क्या है जी, सेल्स एंड बैटरी है। क्या है जी, सेल्स एंड बैटरी है। तो सेल्स एंड बैटरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपको भी पता है कि ये जो आपको टेक्नीशियन का RRB का पेपर हुआ है उसमें भी सेल्स एंड बैटरी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं जी, तो वहाँ भी इम्पोर्टेंट था और यहाँ भी है। तो ये थोड़ा डेप्थ में होगा और यहाँ पर आपको बैटरी की बात की जाए तो प्राइमरी सेल होता है, सेकेंडरी सेल होता है, आपको उनको कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ किए जाते हैं वो सब हमको डिटेल में यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। और ये तीन टॉपिक इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मटेरियल में ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जब देखिए रिले है, स्विचेज है, MCB है, कनेक्टर्स हैं, ये आपको रिले है, स्विचेज है, MCB है, कनेक्टर है। तो ये जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी इसको हम लोग थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया लेंगे कि क्या काम है क्या नहीं है। उसके ऊपर देख सकते हैं आपको यहाँ पे है आपको ज्वाइनिंग कनेक्टिंग मटेरियल, UCG कॉपर केबल, OFC, तो ये भी उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम लोग ज़्यादातर फोकस करेंगे किस पे जी, मैग्नेटिक मटेरियल पे और मटेरियल पे, बेसिक कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, सेल्स एंड बैटरी पे। तो हमने यहाँ से देखा कि ये मेरे टॉपिक इम्पोर्टेंट है जी। चलिए बात करते हैं EDC का। EDC में आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट में आते हैं, यहाँ पे आप सिलेबस में देख सकते हैं जी क्या लिखा है, PN जंक्शन डायोड। PN जंक्शन डायोड के हम बात की जाए तो फर्मी लेवल पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा जी, सेमीकंडक्टर के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि PN जंक्शन के बारे में अगर पढ़ना है तो उसके बारे में हमको जानना पड़ेगा, एनर्जी गैप के बारे में जानना पड़ेगा जी, कौन कौन से PN जंक्शन बनाए जा सकते हैं, कौन कौन से डायोड बनाए जा सकते हैं, उन सब ड्रिफ्ट करंट, ड्रिवन करंट वगैरह के बारे में जानेंगे। फिर से देखिए डायोड के थायरिस्टर भी आपको क्या है, थायरिस्टर भी है, थायरिस्टर को भी हम लोग पढ़ेंगे। थायरिस्टर में बहुत सारे टाइप्स होते हैं उनको देखेंगे। डायोड ट्रायोड सर्किट है। उसके बाद देखिए जंक्शन ट्रांजिस्टर, देखिए डायोड के कुछ एप्लीकेशंस हैं डायोड के सर्किट, जैसे क्लिंपर सर्किट है, क्लैंपर है, क्लिपर है, तो रेक्टिफायर है, वोल्टेज डेवलर वगैरह है, डायोड को क्या है जी डायोड सर्किट्स हैं। तो उन सबको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सिलेबस में इसे कम दिया लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए जंक्शन ट्रांजिस्टर, जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी आपको BJT के बाद बोल रहा है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए जी, आपको MOSFET नहीं है जी, यहाँ पर क्या है MOSFET मेंशन नहीं है। यहाँ पर BJT के बारे में हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे जी, BJT के बारे में क्या क्या करेंगे जी। देखिए BJT के बारे में हम लोग ट्रांजिस्टर बायसिंग वगैरह, स्टेबल, माइनर करंट, मेजर करंट, वोल्टेज रेगुलेशन वगैरह भी हम लोग पूरे डिटेल एनालिसिस करेंगे। डायोड में हम लोग रेक्टिफायर, फिल्टर, प्रिसीजन रेक्टिफायर वगैरह, क्लीपर, क्लैंपर, वोल्टेज डबलर वगैरह, ये सब पूरे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ से ध्यान दीजिए ये जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है ओपेम्प का। तो ओपेम्प देखिए, ओपेम्प है, ऑसिलेटर है, मल्टी वाइब्रेटर है। ओपेम्प में हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, ओपेम्प में आपको बेसिक जो भी
उसमें फीडबैक होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, उसके क्या लीनियर वेव शेपिंग सर्किटेड होती है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑसिलेटर है, ऑप-एम्प में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो उसके बाद जो BJT से जो आपको बनाए जाते हैं एम्पलीफायर उसके बारे में, जैसे लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर फॉर BJT, हाई मल्टी स्टेज फीडबैक, लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, सब ये सब हम लोग ऑसिलेटर वगैरह साइनसोइडल ऑसिलेटर बनाने का करेंगे जी। ओके, आपको बात की जाए तो ट्रिपल मल्टी वाइब्रेटर में 555 टाइमर है जी, ये सब डिटेल में एनालिसिस किया जाएगा और ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी। तो यहाँ से देख सकते हैं आपको, उसके बाद बात की जाए तो मल्टी वाइब्रेटर, उसके बाद काउंटर और रेक्टिफायर। काउंटर आपको ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा, ये यहाँ कवर नहीं होगा, आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इसे अच्छे से कवर किया जाएगा। देखिए अब लिखा है रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर जो है इसको हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अब देखिए इन्वर्टर एंड UPS जो है आपको सेल्स एंड बैटरी के साथ कवर हो जाएगा, ये यहाँ कवर नहीं होगा जी। तो हम लोग देखिए एक बारीकी से देखिए क्या सिलेबस है, क्या मेंशन किया गया है। मल्टी वाइब्रेटर में देखिए जी, यहाँ पे मल्टी वाइब्रेटर भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मल्टी वाइब्रेटर में आपको मोनोस्टेबल जो होता है, बाई स्टेबल होता है, ई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है, ट्रेंगुलर वेव जनरेटर ये सब होता है मल्टी वाइब्रेटर। तो इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे जी, एनालिसिस करेंगे और डिटेल से एनालिसिस करना है कि क्योंकि आपको EDC है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मटेरियल है, ये सब इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जी। बात की जाए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो चलिए अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तरफ हम बढ़ते हैं जी। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए क्या है जी, नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में क्या है जी, आपको ऑसिलेटर में देखिए जाए, ऑसिलेटर भी एक मिनट एक्सक्यूज मी, यहाँ पे EDC में बात किया जाए, ऑसिलेटर में मैंने छूट गया। ऑसिलेटर में डिस्कस किया जाएगा तो देखिए क्या क्या किया जाएगा, जो आपको RC ऑसिलेटर है जी, हार्टले है, कॉलपिट ऑसिलेटर है, या OPAM के द्वारा जो ऑसिलेटर बनाए जाते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी निकालना, सारी फ्रीक्वेंसी फॉर्मूले याद करना, तो ये सब हम लोग यहाँ पे डिटेल में करेंगे जी। अब बात करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पता होगा EDC में भी काउंटर लिखा था, यहाँ पे देखिए काउंटर यहाँ पे लिखा है, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपको काउंटर लिखा है। तो हम लोग एक काउंटर जो है आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कवर करेंगे जी, और पूरे डिटेल में एनालिसिस करेंगे और यहाँ से हम लोग इसको जानने की कोशिश करेंगे जी। बात की जाए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर सिस्टम है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है जी, नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर वगैरह है, देखिए बाइनरी कोड है, तो हम लोग यहाँ पे बाइनरी, ऑक्टा डेसिमल, हेक्सा डेसिमल, डेसिमल ये सब नंबर सिस्टम, और इन दूसरे को एक बीच में कन्वर्जन करना, कैसे ऑक्टल से हेक्सा डेसिमल कन्वर्जन करेंगे डायरेक्ट इस भी सीखना पड़ेगा। उसके बाद की जाए तो बुलियन अलजेब्रा है, बुलियन अलजेब्रा जो हम लोग सीखेंगे लॉजिक गेट में सीखेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे उसको पूरा ट्रूथ टेबल लॉजिक गेट के जो भी बेसिक लॉजिक गेट्स हैं, यूनिवर्सल गेट्स हैं, कैसे उनको ट्रूथ टेबल है, सर्किट लॉजिक क्या है, उनका रिडक्शन कैसे होता है, जैसे के मैप है, अलजेब के मैप के द्वारा करते हैं, जो तो के मैप यहाँ मेंशन नहीं है, फिर भी के मैप क्या है जी आपको इम्पोर्टेंट है और उसी के हेल्प से हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे ये सब देखने की ज़रूरत है जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है के मैप, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। बात की जाए तो कॉम्बिनेशनल सिक्वेंशियल सर्किट है, अब इन्हीं के कॉम्बिनेशनल सिक्वेंशियल सर्किट तो आपको अच्छे से यही भी इम्पोर्टेंट है और इसको हम लोग डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे, हर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट को एनालिसिस करेंगे जी और सीक्वेंसर सर्किट को भी एनालिसिस करेंगे। बात करते हैं चलिए, तो अब आता है एनालॉग एंड डिजिटल कन्वर्टर है और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, इसके भी हम लोग सर्किट एनालिसिस करेंगे जी, सीक्वेंसल कम्बिनेशनल के भी सर्किट एनालिसिस करेंगे। अब बात करते हैं तो काउंटर्स हैं और मेमोरी है जी, कन्वर्टर्स है। अच्छा काउंटर्स मेमोरी में, तो काउंटर्स तो आपको पता ही है, काउंटर जो है 2 डिजिट नंबर काउंटर, 3 डिजिट, 4 डिजिट, तो ये सब काउंटर हम लोग भी एनालिसिस करेंगे। उसके बाद आपको आएगा मेमोरीज, तो देखिए मेमोरीज में बात की जाए तो हम लोग RAM, स्टैटिक RAM, डायनेमिक RAM, सेमीकंडक्टर मेमोरीज वगैरह हम लोग इसको भी एनालिसिस करेंगे, और ये बहुत ही आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आपको बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखता है जी आपको JEE के एग्ज़ाम में, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ, तो लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट है। लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट में देखिए जो ये OPAM पे बेस्ड चैप्टर है, और इसमें हम लोग OPAM के बारे में आइडियल OPAM, प्रैक्टिकल OPAM की इंट्रोडक्शन वगैरह, उसके क्या फंक्शंस हैं, क्या लॉजिक है, कैसे आपको इनपुट आउटपुट है, फीडबैक क्या है, इसके सारे एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद देखा जाए तो इसके लीनियर अप्लीकेशन क्या है जी,
लीनियर एप्लीकेशन में बात की जाए तो सैम्पल एंड देखिए आइडियल ओपन है तो करंट और वोल्टेज एम्पलीफायर है, वोल्टेज टू करंट एम्पलीफायर है, लीनियर एप्लीकेशन से जी। लर्न नॉन लीनियर एप्लीकेशन में देखा जाए तो सैम्पल एंड होल्ड सर्किट है, लॉग एंटी लॉग है, इंस्ट्रूमेंटेशनल ओपेंप है, तो ये सब है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए वोल्टेज रेगुलेटर है क्या जी, वोल्टेज रेगुलेटर है। देखिए वोल्टेज रेगुलेटर आपको वहाँ पे जी डायोड के बारे में, जेनर डायोड के बारे में डिस्कस नहीं किया गया था, यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर आ गया तो जेनर डायोड के बारे में पढ़ेंगे, सीरीज ओपेंप रेगुलेटर पढ़ेंगे, आईसी वोल्टेज रेगुलेटर पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप के रेगुलेटर्स है उसको भी पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर टाइमर भी, यहाँ पर भी टाइमर मेंशन है तो टाइमर के 55 आईसी टाइमर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीएलएल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन ये क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक कम्युनिकेशन में भी आपको यूज़ किया जाता है जी, तो इसका इंपॉर्टेंस ऐसे भी खास तौर से बढ़ जाता है जी। आगे बढ़ते हैं माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो कंट्रोलर। देखिए माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर में बात किया जाए तो ज़्यादातर यहाँ आपको 8085 ही माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ना होगा, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसके प्रोग्रामिंग के इंस्ट्रक्शंस क्या है, आर्किटेक्चर क्या है जी, इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग क्या है, ये सब जानेंगे लोग। और बात की जाए माइक्रो कंट्रोलर तो 8081 बारे में पढ़ेंगे लोग, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे 8085 माइक्रो प्रोसेसर ही है, 8051 तो आपको जो माइक्रो कंट्रोलर उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है सब्जेक्ट, तो इतना ज़्यादा यहाँ पे आने के चांसेस नहीं है उसके, बिल्कुल ही नहीं है मेरे अनुसार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट में आप देख सकते हैं जी यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट जो भी है ब्रिजेज वगैरह वो यहाँ पे नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए केवल इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट की बात की रही है। मेजरिंग सिस्टम है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट है, रेंजेज एक्सटेंशन मेथड है, कैसे रेंज बढ़ाए जाएंगे, कैसे रजिस्टर सीरीज में जुड़े हैं पैरेलल में, कैथोड सीआरओ है आपको देख लीजिए, ऑसिलोस्कोप, एलसीडी है, एलईडी है जी, पैनल है, ट्रांसड्यूसर है, ट्रांसड्यूसर में अलग अलग ट्रांसड्यूसर हम लोग पढ़ेंगे, एलसीडी एलईडी के बारे में पूरे डिटेल पढ़ेंगे जी। तो देखा जाए तो यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट में है ये हमारे लिए बेनिफिशियल इसलिए है, बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट मेजरमेंट्स नहीं है, केवल इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट है जो हमारे लिए क्या होगी सहूलियत होगी। तो बात की जाए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट में तो देखिए यहाँ पे बात स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं तो डायनेमिक तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें आपको प्रिसीजन एक्यूरेसी रेंज एक्सटेंशन वगैरह ये सब ज़्यादा हमको डिटेल में एनालिसिस करना है तो इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट सीआरओ, सीआरओ बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको ट्रांसड्यूसर बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, तो सीआरओ और ट्रांसड्यूसर के बारे में हम लोग पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। उसके बाद देखिए तो ट्रांसड्यूसर में बात किया जाए तो आपको स्टेटिक स्ट्रेन गेज है, थर्मिस्टर है, इंडक्टिव है, कैपेसिटिव है, ट्रांसड्यूसर एलवीडीटी है, फोटो इलेक्ट्रिक है, थर्मोकपल है, पीजो इलेक्ट्रिक है, तो ये सब ट्रांसड्यूसर जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एलसीडी और एलईडी के बारे में बात की जाए तो एलसीडी और एलईडी के बारे में हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे और सेवन सेगमेंट डिस्प्ले एलईडी में देखेंगे, एलईडी ड्राइवन सर्किट देखेंगे और एलसीडी में देखा जाए तो डायनेमिक स्कैटरिंग इसके क्या है जी टाइप्स वगैरह देखेंगे, कंपैरिजन देख लेंगे इसमें, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन यहाँ पे सीआरओ और ट्रांसड्यूसर को ज़्यादा हम लोग फोकस में रखेंगे। बात की जाए तो कम्युनिकेशन में, तो कम्युनिकेशन में देखिए क्या किया गया है, आपको यहाँ पे तीन चैप्टर इंक्लूड कर दिया गया है जी, एक तो आपको एनालॉग कम्युनिकेशन, उसके बाद ईएमएफटी, उसके बाद रडार एंड सेटेलाइट जो कम्युनिकेशन हैं उनको यहाँ पे तीनों को मिक्स करके बनाया गया है। तो देखिए किसी किसी सब्जेक्ट में तो आपको पूरा सिलेबस दिया है और किसी किसी में पूरा नहीं दिया गया है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा जी। तो चलिए कम्युनिकेशन में डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन है, मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं, तो यहाँ देख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, मॉड्यूलेशन टेक्निक है, मल्टीप्लेक्सिंग है, तो ये आपको हमारा एनालॉग कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आपको एएम एफएम एंगल मॉड्यूलेशन, पल्स मॉड्यूलेशन, टीडीएमए एफडीएमए पीसीएम वगैरह नॉइज वगैरह यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ पे रैंडम वेरिएबल नहीं पढ़ना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात किया जाए तो वेव प्रोपगेशन,
उसके बाद क्या है जी, वेव प्रोपोगेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो वेव प्रोपोगेशन हमने कम्युनिकेशन में देख लिया जी, ए एनालॉग कम्युनिकेशन में जो भी है मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं उस सबको डिस्कस करेंगे, नॉइज को डिस्कस करेंगे, रैंडम वेरिएबल वगैरह नहीं है यहाँ पे। अब आता है आपको EMFT के, देखिए वेव प्रोपोगेशन है, ट्रांसमिशन लाइन वगैरह है यहाँ पे देख सकते हैं। तो वे देखिए ट्रांसमिशन लाइन का आपको जो EMFT थ्री है उसमें ट्रांसमिशन लाइन और वेव प्रोपोगेशन में ही दिया गया। वेव प्रोपोगेशन में बात किया जाए तो स्पेस वेव प्रोपोगेशन और ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन वगैरह है। तो देखिए इसमें बहुत ही बिल्कुल केवल ट्रांसमिशन लाइन दिया है, देखा जाए तो इससे ज़्यादा नहीं दिया गया। और उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है उसके बारे में थोड़ा बहुत करेक्टर थियोरेटिकल पोर्शन करना है, ना कि हमको EMFT वाले पोर्शन करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखा जाए तो रडार एंड सेटेलाइट जो कम्युनिकेशन है ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग मोनोस्टेबल बाई स्टेबल तो इसको रडार को हम लोग देखेंगे। तो रडार एंड सेटेलाइट जो है ये भी आपको थ्योरेटिकल वाले जो पार्ट है उसी को देखना है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेज हैं, लेकिन ये सभी थ्योरेटिकल हैं। और याद रखिएगा कम्युनिकेशन में तीन सब्जेक्ट मिला दिए गए हैं, तो ज़्यादातर कोशिश करना है कि पूरा ना पढ़े, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। तो डेटा एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क में देखा जाए तो सिलेबस में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन यहाँ पे आपको देखिए केवल और केवल लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन और वाइड एरिया नेटवर्क वैन, आपको यही दो इम्पोर्टेंट हैं। और उसके बाद डेटा कम्युनिकेशन के फिजिकल लेयर वगैरह हम लोग थोड़ा बहुत देख लेंगे, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है देने के लिए। नया जो सब्जेक्ट है इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये ज़्यादा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये कंप्यूटर वालों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बात की जाए तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बात करते हैं, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आपको C++ के ऑपरेशन वगैरह देखने हैं जी, आपको एरे स्ट्रिंग पॉइंटर आपको ये देखने पड़ेंगे, और इसके कंट्रोल स्टेटमेंट फंक्शन एरे स्ट्रिंग पॉइंटर फाइल स्ट्रक्चर। अच्छा बात की जाए तो अब देखिए यहाँ पे एक और चैप्टर आपको DBMS और डाटा स्ट्रक्चर भी दिया गया है, जैसे फाइल स्ट्रक्चर डाटा स्ट्रक्चर एंड DBMS। तो डाटा स्ट्रक्चर और DBMS के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेंगे, उसके क्या है जी जो फंक्शंस हैं, ठीक है इंस्ट्रक्शंस हैं उसके बारे में देखेंगे, और इससे ज़्यादा नहीं। तो ये सब मैं बता दूं कि ये सब सब्जेक्ट जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं इसमें मैं एक्सपर्टीज मेरा नहीं है, तो इस सब सब्जेक्ट मैं नहीं कराऊंगा जी। और आप लोग थोड़ा बहुत इसको आप लोग सी और सी प्लस तो करा सकते हैं आप लोगों से। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिक इलेक्ट्रिकल है जी इंजीनियरिंग। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बात किया जाए तो नेटवर्क एनालिसिस भी कहीं कहीं चैप्टर से पढ़ाया जाता है जी। तो आपको देखिए नेटवर्क एनालिसिस में भी पूरा आपको यहाँ पर टॉपिक नहीं इंक्लूड किया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा जी। तो यहाँ पर देखिए बेसिक KCL KVL जो थ्योरम्स वगैरह हैं, नॉर्टन वगैरह जो थ्योरम है, उसके बाद RMS वैल्यू निकालना जी। यहाँ पे देखिए AC फंक्शंस है, AC फंक्शंस में वही RMS वगैरह एवरेज है, ये सब हम लोग एनालिसिस करेंगे। वेव वगैरह फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस सर्किट वगैरह इसमें देखेंगे। बात की जाए तो देखिए यहाँ पे भी आपको सिलेबस पूरा नहीं है, यहाँ पे सिलेबस क्या है जी अधूरा ही है, यहाँ पर टू पोर्ट नहीं है, ग्राफ थ्योरी नहीं है, फिल्टर वगैरह नहीं है, तो हाँ यहाँ पे भी बहुत कम ही पढ़ना है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और ये इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस टेस्टिंग वगैरह तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, हम लोग इसमें अर्थिंग वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, लेकिन ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, ज़्यादा उतना खास मैटर नहीं करता है। तो देखिए सिलेबस कहीं अधूरे हैं कहीं पूरे हैं, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस का एनालिसिस किया जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस कितना वास्ट और लेंथी दिया गया है, लेकिन कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, और कुछ याद रखने वाली बात यही है कि हम लोग को ज़्यादा फालतू चीज़ें नहीं पढ़ना है, बस इतना पढ़ना है कि कंपटीशन में हमारा वर्क हो जाए। चलिए तो थैंक यू सो मच। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी रिकमेंड करें, ताकि वो भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सके। थैंक यू सो मच। इन्जॉय योर लाइफ।